Hello, my dear students. Welcome to the session. Myself Vivekanand. Now, today we have All India ranked number 17 in IIT JAM Mathematics 2023 exam. Please welcome Mr. Shivam Gupta. और दिल से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं. इनका रिजल्ट बहुत अच्छा है. बच्चे, आज ये जो सेशन रखा गया है, जो इंटरव्यू का सेशन है, ये आने वाले जूनियर्स को बहुत बेनिफिशियल बेनिफिट देगा. और यहाँ आज हम इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे. इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, कैसे ये टाइम बाय टाइम अपने कॉन्फिडेंस को इन्होंने मेंटेन करके रखा. कई बार अप्स एंड डाउन आते रहते हैं. और जो आने वाले आपके जूनियर्स हैं या साथी जो आगे एग्जाम देंगे, वो किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से टीचर्स के साथ बन के रहें, किस तरह से टेस्ट सीरीज के साथ रहें, जो टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट की जाती हैं, तो उन सब पे हम बात करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं सेशन. शिवम, बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको. आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और आपके परिवार वाले बहुत खुश होंगे, आपके फ्रेंड्स बहुत खुश होंगे, साथी आपके बहुत खुश होंगे, और टीचर तो बहुत खुश है ही. जब बच्चे का इतना अच्छा रिजल्ट आता है, तो आप समझ नहीं सकते कि बच्चा बच्चे के साथ साथ टीचर को कितनी खुशी होती है. ओके, प्लीज थ्रो सम लाइट, थोड़ा प्रकाश डालिए अपनी जर्नी पे. कैसे आपने शुरू किया था, क्या क्या किया था, बताइए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। सो सर, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्ट किया। मैंने फोर्थ सेमेस्टर में अनअकैडमी ज्वाइन किया और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर देखे, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब तो मुझे बस विवेकानंद सर को ही फॉलो करना है। और उसके बाद रेगुलरली आपकी लाइव क्लासेस देखी, स्पेशल क्लासेस देखी, और उसके बाद आपने दिसंबर में अल्फा प्लस पर अपना टेस्ट से ज्वाइन किया था, और वहां से मैंने अल्फा प्लस के टेस्ट लगाए और उसके वीडियो सॉल्यूशन देखे जो आप डिस्कशन करते थे रेगुलरली, और मैंने उसको एक्चुअल में, फिर हाँ मैंने एक्चुअल में छोड़ दिया था वो प्लेटफॉर्म, और अब मैं अपने अल्फा प्लस प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहा हूँ. तो वहां से आप आ गए, फिर हमारे साथ ही आ गए ना. आपके पास विश्वास तो बना ही हुआ था, जैसे पता लगता है. तो मैंने वहां से आप के टेस्टिस को ज्वाइन किया, और फिर आपके जो डिस्कशन थे टेस्टिस के उनको रेगुलरली देखा और उसको एनालाइज किया। तो सर, उससे मेरी रैंक बहुत इंप्रूव हुई सर, थैंक उसकी यू वजह सर, से चलो सर बना पाया सर। बहुत अच्छी बात है. बच्चे, थोड़ा आप जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर थोड़ा सा आने वाले जूनियर्स के लिए या जो आगे एग्जाम्स होंगे उनके लिए थोड़ा बता सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज जैसे एनालिसिस पर्टिकुलरली कुछ चीजें, अलजबरा, अलजबरा में ग्रुप थ्योरी हो गया, लीनियर अलजबरा हो गया, ऐसे डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन में थोड़े एक दो पॉइंट्स जो ये, बिकॉज कॉमन इंटरव्यू से थोड़ा अलग दिखना चाहिए कि बच्चे ने सच में कुछ किया है. भाई, मैं दिल से बहुत खुश हूँ जो भी आपने बोला है पहले भी और जो भी आपने रिकॉर्ड में बताया था मेरे को. तो सर, सबसे पहले मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया। सर, मैंने आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स के इंटीग्रल कैलकुलस के डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, सर मैंने पहले आपके इसके लेक्चर्स देखे, और उसके बाद सर उसके क्वेश्चन सॉल्व करे, और सर उसके बाद मैंने सर रियल एनालिसिस स्टार्ट किया, आपके रियल एनालिसिस के लेक्चर देखे, सीक्वेंस एंड सीरीज के स्पेशल क्लासेस पे अनअकैडमी पर, और सर उसके बाद मैंने आपकी बुक परचेज की थी, जिसकी आपकी बुक आई थी सर। सर उसको उसमें सारे क्वेश्चन, सारे PYQ, नेट के, जैम के, जैम MS के भी सर, और गेट के सारे सोल्व थे सर। उनसे सर जो सॉल्यूशन हायर मैथमेटिक्स की बुक का मिल नहीं पा रहा सर इजीली ना, तो सारा उसमें इजीली कंटेंट अवेलेबल था, वो प्रैक्टिस थैंक यू करिए वेरी सर, मच, थैंक यू. आप डिजर्व करते हैं सर। और सर प्रैक्टिस के लिए भी सर बहुत सारे क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को सबको लगाया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और सर लीनियर, उसके बाद सर लीनियर में तो सर आप मत ही पूछो, आपने इतना अच्छा पढ़ाया है सर लीनियर का, तो लीनियर के सर आपके लेक्चर्स भी और टेस्ट सीरीज में जो आप क्वेश्चन डालते थे लीनियर अलजेब्रा के, वो तो सर अमेजिंग होते थे सर। ग्रुप्स. ग्रुप्स में तो सर आप बस आप ही की बुक को फॉलो किया सर, ग्रुप थ्योरी में तो बस गैलियन को भी बस रिविजन टाइम है सर, गैलियन से नहीं, बस आपकी बुक को ही रिविजन नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी सर ग्रुप थ्योरी की, तो सर बहुत बहुत अच्छी बात है ऐसा। शिवम, बहुत अच्छा. जूनियर्स के लिए ये इंटरव्यू जो लोग देखेंगे उनके लिए, भाई एक अभी रियल एनालिसिस की बुक अवेलेबल है और ग्रुप थ्योरी की बुक अवेलेबल है. उसमें आपको एग्जाम वाइज क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे. सॉल्व का मतलब खाली ट्रू फॉल्स वाला सॉल्व नहीं, पूरा आपका डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन लॉजिक के साथ, रीजंस के साथ सबको मिलेगा. और लीनियर अलजेब्रा की बुक आने ही वाली है बेटा,
मैं ये इसको आप जिनके पास भी इंटरव्यू जाएगा कह सकते हैं मार्केटिंग कर रहा है अपनी, बिल्कुल कर रहा हूँ, क्यों ना करूँ, अपना जीवन लगाया मैंने, तो दो किताबें लिख दी गई हैं, तीसरी किताब पे काम चल रहा है। अब आप सब लोगों की से रिक्वेस्ट है कि बेनिफिट जरूर उठाइए, एटलीस्ट एक बार देख लीजिए, या रिव्यूज जाके देख सकते हैं आप, जिन्होंने बुक्स परचेज किए उन्होंने रिव्यूज भी दिए हैं, कुछ बच्चों ने पॉजिटिव दिए हैं, कुछ ने नॉर्मल दिए हैं, एक आदमी नेगेटिव भी दिए हैं, ऐसे कोई कहता नहीं है मैं कह रहा हूँ, लेकिन बट मैक्सिमम रिव्यूज पॉजिटिव ही हैं, तो आप सबकी बेनिफिट के लिए ही बुक्स लिखी गई हैं। थैंक यू। नेक्स्ट थिंग, हाँ जी शिवम, जैसे कि मैंने नोटिस किया है, मैं बच्चों को कहता भी हूँ कि भाई एक साल में, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर, अगर बच्चा 6 या 8 महीने पहले हमारे हमको ज्वाइन करता है और कोई टॉपिक शुरू कर देता है, तो वो टॉपिक खत्म होने के बाद मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई नेक्स्ट टाइम जब ये टॉपिक होगा तो भी आपको आना है, फिर नेक्स्ट टाइम जब होगा, मतलब एक साल में 2 या 3 बार ये टॉपिक होता है, और एडवांस लेवल के साथ साथ आपको हमारे साथ आगे बढ़ना है। बच्चों का क्या माइंडसेट रहता है इस बारे में कि एक बार टॉपिक खत्म हो गया, सिलेबस खत्म, चलो जी जाओ, अब अगली बार करना नहीं। तो आप समझ रहे हो शिवम मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, तो सर प्लीज। जैसे आपने सर सीक्वेंस एंड सीरीज की मैं बात कर लेता हूँ, तो सर आपने पहले बेसिक कराया था उसका, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, उसके बेसिक क्वेश्चंस कराए थे, उसके बाद सर आपने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराए थे। मतलब धीरे धीरे अगर बच्चा कोई भी स्टूडेंट मेरा जूनियर या सीनियर कोई भी उसको फॉलो करेगा ना सर, तो सर उसको PYQ तो सर उसके सारे वहीं पर सोल्व हो जाएंगे सर, उसे PYQ सोल्व करते हुए कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सर कोई वो न्यू क्वेश्चन भी लगाएगा तो वो भी इजीली सॉल्व कर जाएगा सर, वो उसमें भी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सर। ये विश्वास के साथ मैं भी कह रहा हूँ, बच्चा तो कह ही रहा है, मैं भी कह रहा हूँ जो इंटरव्यू देखेंगे उनके लिए, ये चीज ध्यान में रखिए, क्लासेस लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो ये चीज आपका पक्का हो जाएगा, और यही सबसे बड़ी बात है आज के एग्जाम में, आज जो कट थ्रॉट कॉम्पिटिशन चल रहा है, जिस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाती है क्लास में। ओके, थोड़ा नोट्स एंड रिविजन प्लान के लिए अगर आप कुछ बताएं, तो नोट्स बनाना, जब काफी सारी चीजें तो आपने बोली थी, जैसे बच्चा रिविजन, जैसे एग्जाम के ये रहता है स्टूडेंट्स को कि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं वो पढ़ना या तो कम कर देते हैं या बहुत ज्यादा कर देते हैं, और एग्जाम आते आते 2-3 महीने पहले तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, बस वही पुरानी चीजें रिवाइज कर रहे हैं, एंड एग्जाम में जाके देखते हैं कई बार कि यहाँ तो बिल्कुल ही नया चीज है, पहले जैसा है नहीं, तो उसके लिए कुछ बोलना चाहोगे? हाँ जी सर, रिविजन तो सर नेसेसरी है सर, और नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है सर, तो लेकिन सर मैंने ग्रुप थ्योरी के नोट्स नहीं बनाए, वो सर ग्रुप थ्योरी सर आपकी बुक से ही पढ़ा, लेकिन वो लीनियर एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, वो सर जो आपके लेक्चर थे सर उसके उसके नोट्स बनाए सर, शॉर्ट नोट्स बनाए, और जो आप टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कराते थे उन जो क्वेश्चन लगता था कि ये क्वेश्चन में कुछ नया है उसका एक अलग नोट्स बनाया सर, वो बहुत बहुत बढ़िया, जरूरी है बहुत सर। अच्छी बात है, ये टेस्ट सीरीज के लिए बच्चा कह रहा है, तो माय डियर, टेस्ट सीरीज में ये होता है कि टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हमें डिजाइन करते हैं और उनका प्रॉपर डिस्कशन किया जाता है, बाकी इंस्टीट्यूशंस का या बाकी जगह का टेस्ट सीरीज क्या होता है, आपको टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लेते हो उसमें राइट रॉन्ग करके खत्म, लेकिन हम यहाँ प्रॉपरली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एटलीस्ट 60 क्वेश्चन में से 45 के करीब क्वेश्चन डिस्कस किए जाते ही हैं, विश्वास के साथ ये बोला जा रहा है, हर साल बच्चों को बहुत बेनिफिट होता है टेस्ट सीरीज से, इस बार भी टेस्ट सीरीज के कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में उठ के आए हैं, डायरेक्टली आ गए। ओके शिवम, जूनियर्स के लिए कोई संदेश? हाँ जी सर, बस यही कहना चाहूंगा मैं अपने सभी जूनियर्स को कि हार्ड वर्क करे और डिसिप्लिन मेंटेन करे, और विवेकानंद बहुत सर बहुत अच्छी लाइन बोली उन्होंने, डिसिप्लिन मेंटेन करें, बहुत अच्छी लाइन, और विवेकानंद सर के लेक्चर्स को जरूर फॉलो करें, उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। एक और पॉइंट जो मैं नोटिस करता हूँ बच्चों के साथ कि भाई पूरे इतना लंबे लंबे समय की तैयारी में कई बार बच्चा मोटिवेट, उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है कई बार, आप होता है कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है आप होता है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ बताइए। उसके लिए तो बस यही है कि बस अब लगे लगे रहो कि बस कुछ सॉन्ग वगैरह सुन रही है, मोटिवेशन सॉन्ग सुन रही है, या आपसे फोन पर बात कर ली सर, आपने बहुत मोटिवेट किया, आपसे प्लीज प्लीज मोटिवेट नोटिस, किया। स्टूडेंट्स नोटिस करिए, कॉल भी कर सकते हैं आप लोग, अगर कॉल पे नहीं, कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, जैसे ही टाइम लगेगा आपको रिवर्ट बैक किया जाएगा। यस सर आपसे बात होती थी फोन पे सर, आप मोटिवेट करते थे, उससे भी सर कंसिस्टेंसी बनी रही सर एक ना चलो भाई, बहुत उसे। अच्छी हाँ बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शिवम। लास्टली आप अपना जो इतना अच्छा आपने सक्सेस अचीव किया है, मैं दिल से आपको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बाकी आप थोड़ा बताइए कि किसको किस तरीके से क्रेडिट देना चाहेंगे, एक लास्ट लाइन। सर, अपने पेरेंट्स को ही कह देना चाहूंगा सर।
और सर उसके बाद आपको सर और अपने जो कॉलेज के जो मेरे प्रोफेसर है सर उनको सर, उन्होंने भी सर बहुत हेल्प किया। चलो ठीक है भाई शिवम, आगे के लिए फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट लाइए, बहुत अच्छी सफलता अर्जित कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।